Hello children, welcome to the Chance to Take. I am Jyoti, your EVS teacher. So today we are going to learn our EVS subject. और EVS subject में आज हम लोग किस topic पे learn करेंगे? आज हम लोग our family values, हमारे family का क्या महत्व है, परिवार हमारे लिए क्यों है, ठीक है? तो आज का टॉपिक है इसी पे कि फैमिली से हमें क्या सीखते हैं हम, परिवार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, परिवार से हम क्या क्या सीखते हैं, ठीक है? तो टॉपिक क्या है? आवर फैमिली वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सो चिल्ड्रन, हम सभी एक फैमिली में रहते हैं, हम सभी का एक फैमिली है ना? जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये क्या है? ये एक फैमिली है जिसमें फैमिली मेंबर्स हैं। यहाँ ओल्डेस्ट मेंबर है, यंगर मेंबर है और छोटे चिल्ड्रन भी हैं। तो जब आप छोटे हो अपनी फैमिली में, आप इस टाइप से हो ना, छोटे से, तो आप लोगों को बहुत सारी बातें होती हैं जो फैमिली के लोग हमें सिखाते हैं। जैसे हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हमें कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, ग्रैंड मदर जो हैं वो हमें कुछ अच्छी बातें सिखाती हैं, फादर मदर ये सभी लोग क्या करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें अपने लाइफ में क्या किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए और कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, है ना? तो ग्रैंडफादर जो हैं वो हमें कुछ बातें बताते हैं, समझाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या कुछ करना है तो अच्छा करना है, ये सारी बातें हमें अपनी फैमिली से सीखने को मिलती है। हमारी ग्रैंड मदर जो है वो भी हमें क्या कहती हैं, स्टोरीज सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं, उसके थ्रू हमें अलग अलग चीज़ें जो अच्छी बातें हमें सिखाती हैं। हमारे पेरेंट्स यानी हमारे फादर मदर ये भी अपनी लाइफ में जो सीखे रहते हैं वो हमें सिखाते हैं, हमें डिसिप्लिन में घर में रहना सिखाते हैं। तो घर में जो हमें सिखाया जाता है वो क्यों, किस लिए सिखाया जाता है? वो हमें सिखाया जाता है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे काम करें, ठीक है? तो ये सारी बातें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? हमें फैमिली मेंबर्स सिखाते हैं, इसीलिए हमारी फैमिली का वैल्यू है, हमारी फैमिली का इसीलिए महत्व है, ठीक है? तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आवर फैमिली वैल्यू, हमारे परिवार का महत्व, ठीक है? तो परिवार का महत्व क्यों है? स्टार्ट नेक्स्ट। फैमिली में सबसे पहले हमें सिखाया जाता है किसी को भी रिस्पेक्ट देना, ठीक है? किसी को भी रिस्पेक्ट देना। आप देखते होंगे आपके घर पे कोई आता है तो आपसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि उनको प्रणाम करो, हेलो करो, है ना? तो फैमिली में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है रिस्पेक्ट करना। कैसे? हमें फैमिली में जब कोई आता है, आपके घर पे आता है, तो आपकी फैमिली के मेंबर्स यानी आपके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी जो आपसे बड़े हैं वो आपसे कहते हैं कि उन्हें प्रणाम करो, हेलो करो। तो ये क्या हमें सीख देता है? कि हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट एल्डर्स, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना। जैसे यहाँ ये बॉय है, ये अपने फादर को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये गर्ल है, ये भी अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके सामने ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, उनका रिस्पेक्ट कर रही है। हम
बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमें हमारी फैमिली सिखाती है। फैमिली हमें सिखाती है कि हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स। जैसे आपके घर पे कोई आता है ना, आपके घर पे कोई आता है तो आप उसके उसको वेलकम करते हो, उसका स्वागत करते हो, है ना। और आपके घर पे कोई आया है, यहाँ ये इसके घर पे कोई आया है तो ये उसके लिए डोर खोलती है, उनको रिस्पेक्ट देती है ना। तो ये सब कौन सिखाता है हमें? हमारी फैमिली सिखाती है। कौन सिखाता है? हमारी फैमिली। रिस्पेक्ट एल्डर्स यानी बड़ों का रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, उन्हें इज्जत देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी फैमिली सिखाती है। तो हमें अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें अच्छे से उनके सामने पेश होना चाहिए। जब कोई आता है तो हंस करके मुस्कुरा करके उसके सामने जाना चाहिए, गुस्से में नहीं जाना चाहिए, है ना। आपसे कहा जाता है, आपसे कहा जाता है ना कि ये आ रहे हैं, उनसे अच्छे से मिलना, उनसे हर बातें उनसे पूछना, उनको कुछ चाहिए होगा तो देना। तो ये सब चीज़ें क्यों सिखाई जाती है? कि हमारे अंदर बड़ों को रिस्पेक्ट देने की आदत आए, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना आए, ठीक है। कोई हमसे घर में बड़े हैं या कोई मेहमान आए हैं जो हमसे बड़े हैं, उनको हम रिस्पेक्ट दें, उनका आदर करें। घर में भी बड़े लोग रहते हैं जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, वो सारी काम अपने सारे काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि उनसे जा कर के पूछो, उन्हें कुछ चाहिए या उन्हें कहीं जाना है या कुछ लाना है, तो वो चीज़ें हमें उनके लिए करनी चाहिए। ये क्या होता है? ये हमें सिखाता है कि हमें बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हेल्प ईच अदर। हेल्प ईच अदर यानी हर किसी की मदद करना, ठीक है। हेल्प करना, ये हमें फैमिली में बताया जाता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। जैसे आप अपने घर में ही ये सीखते हो कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो चल नहीं पा रहे हैं तो उनको सहारा दे करके चलाना चाहिए, या उनको सहारे दे करके जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाना चाहिए। अगर किसी का सामान गिर गया तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो सामान उठा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं हेल्प करना यानी मदद करना। हेल्प मीन्स मदद करना। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी कमज़ोर है, आखिर ये एक तरह से कमज़ोर है ना, तो इनका क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। हेल्प करना चाहिए, हेल्प बहुत तरह से हो सकता है। अब इनको चलने में प्रॉब्लम है तो इनको सहारा दे सकते हैं, है ना। तो इनको सहारा दे करके ये बॉय जो है इनकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जिनका सामान जो है वो गिर गया है। अब आप देख सकते हो इनके एक हाथ में एक स्टिक है और दूसरे में उनका बैग है। अब वो सामान कैसे उठाएं? लेकिन ये गर्ल क्या कर रही है? इनकी हेल्प कर रही है, ये इनका सामान उठा करके इन्हें दे रही है। तो ये क्या कर रही है? ये इनकी हेल्प कर रही है। अब ये सारी बातें ये कहाँ सीखती हैं? अपनी फैमिली में, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली में इसे सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी हेल्प कर रही है और ये इनकी हेल्प कर रही है, ठीक है। अब वहाँ हम लोगों ने देखा कि किसी को सहारा दे करके उसकी जगह तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बॉय जो है
ये क्या कर रहा है, ये गर्ल जो है ये गिर गई है, इसे ये सपोर्ट दे करके, सहारा दे करके इसे खड़ा कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, इसे सहारा दे करके उठा रहा है। तो ये इसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। यहाँ पर ये ओल्ड लेडी है और ये बॉय इन्हें बहुत अच्छे से पकड़ कर इन्हें लेकर जा रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। और हेल्प करना हमें कहाँ सीखते हैं, हम हेल्प करना किसी की, हम अपनी फैमिली में सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। और यहाँ जो है ये भी इनकी हेल्प कर रहा है। तो जो हमें हेल्प ईच अदर जो है वो हमें अपनी फैमिली में सिखाया जाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम में है, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो आप भी यही कोशिश करिए कि अगर आपसे जितना हेल्प हो पाएगा आप उनकी हेल्प करिए ज़रूर, ठीक है। अब ये इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर हम बाहर में या घर में बड़ों का इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसी तरह आप अपने फादर मदर की भी हेल्प कर सकते हो, है ना। फादर मदर जैसे आपकी मम्मी घर की क्लीनिंग कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, तो आप लोग भी इस तरह से छोटे छोटे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपने पेरेंट्स के आप हेल्प करोगे। और इस तरह से हमें कौन सिखाता है, ये हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। जब कुछ काम होता रहता है घर पे, तो वो छोटे छोटे काम देते हैं कि जाओ ये सामान वहाँ रख दो, ये उतना ही देते हैं जितना आप लोग कर पाते हो, है ना। जैसे ये टेबल साफ कर सकता है, ये यहाँ पोछा लगा सकती है, तो ये इतना कर सकती है, तो पेरेंट्स भी उतना ही देते हैं। क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे क्लीनिंग करना, सफाई करना सीखेंगे, है ना। तो इस तरह से आप ये जो है ये अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो जब आप जब यहाँ घर में क्लीनिंग हो रही है, तो ये बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्लीनिंग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के साथ अगर क्लीनिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यानी वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे मम्मी खाना बना रही है, तो यहाँ पर भी जा कर के कुछ हेल्प किया जा सकता है अपनी मम्मी का, उनको कुछ सामान ला करके देना, उनको कुछ और चाहिए तो वो ला करके देना, जितना भी हो सकता है उस तरह से हेल्प किया जा सकता है। यहाँ ये पेरेंट्स, ये मम्मी जो है ये खाना बना रही है, और यहाँ जो ये बॉय एंड गर्ल है ये क्या कर रहे हैं, अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। तो फैमिली में भी हेल्प करना चाहिए, अगर हम बाहर भी हैं तो भी हमें दूसरों को भी हेल्प करनी चाहिए जो मुसीबत में है या परेशानी में है। तो ये लेसन जो होता है, ये चीज़ हमें अपने घर में सिखाई जाती है कि आप दूसरों की मदद करिए। तो पहले तो हम अपने घर में ही, अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, यही चीज़ हम सीखते हैं कि हाँ हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। तो ये लेसन हमें घर पे ही सिखाया जाता है, जैसे घर की साफ सफाई में हम हेल्प कर सकते हैं, हम यहाँ कुकिंग में हेल्प कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम कुछ करते हैं तो वो भी एक तरह से हम हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैमिली में ही हमें सिखाई जाती हैं कि हाँ एक दूसरे की हेल्प करिए। अब ये जब हमारा नेचर बन जाता है, तो हम बाहर भी अगर कहीं जाते हैं तो हम इसी नेचर से, यानी इसी स्वभाव से किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो हेल्प करते हैं। तो हेल्प करना, एक किसी की भी हेल्प करना, ये हमें
हमारी फैमिली में सिखाया जाता है। तो जैसे ये गर्ल एंड ये बॉय, ये क्या कर रहे हैं, अपने घर में क्लीनिंग कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ अपने पेरेंट्स के हेल्प कर रहे हैं कुकिंग में। नेक्स्ट आता है क्लीन अप योर मेस। क्लीन अप योर मेस यानी हमें सफाई करना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते करते कुछ पेपर्स वगैरह गिर जाता है, इधर उधर गंदगी हो जाती है, तो वो क्या करना चाहिए, वो गंदगी हमसे हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, खुद से उस जगह को साफ करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कभी होता है कि आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग करने के बाद वहाँ कलर वगैरह बिखेर करके निकल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम वहाँ कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस जगह की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस जगह की सफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, यहाँ ये अपने रूम को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो सफाई करना जो क्लीनिंग है ये भी हमें हमारी फैमिली में ही सिखाया जाता है कि हमें क्लीनिंग भी करना चाहिए। अगर हम गंदे जगह पे गंदे तरह से रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जब भी हम खाना खाते हैं या ड्राइंग करते हैं या कुछ और भी करते हो, अगर उस वजह से वहाँ पर गंदा हो गया है तो उस जगह को वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उस जगह को साफ करना चाहिए, साफ करके ही उस जगह को रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारे नेचर में आ जाएगा कि हाँ, हमें साफ़ सुथरे जगह में ही रहना चाहिए। और साफ़ सुथरा जगह में रहने के लिए हमें सफाई करनी आनी चाहिए। जब हम सफाई करने लगेंगे तो गंदगी हट जाएगी और हम अच्छी जगह यानी क्लीन में, क्लीन जो जगह हो जाएगी वहीं हम रहेंगे। तो क्लीन जगह के लिए पहले उसे साफ करना पड़ेगा, तो उस जगह को पहले साफ करिए, फिर वो जगह क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें हमें फैमिली में सिखाई जाती है, क्लीन अप योर मेस। नेक्स्ट, शेयर थिंग्स। शेयर मीन्स होता है बांटना, जब आपके साथ आपका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर्स में ही आपका ब्रदर या सिस्टर है और आपके पास कुछ है और उसके पास नहीं है, तो आपको अकेले उस चीज़ को ना खाना चाहिए या पढ़ने की चीज़ें तो ना अकेले पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उसे भी दिखाना चाहिए या उसे भी खिलाना चाहिए। तो ये क्या है, शेयरिंग। क्या है ये, शेयरिंग। जैसे यहाँ पर जो ये गर्ल है, इसके पास बुक है, तो ये इसके साथ क्या कर रही है, बुक शेयर कर रही है, इसे भी दिखा रही है और खुद भी पढ़ रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयरिंग। क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। ये इनको अपनी बुक दिखा रही है। यहाँ पर ऐसा कई बार होता है कि पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल यानी कलर पेंसिल जो है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, उनके पास कलर नहीं होते हैं, तो ऐसे क्या करना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप अपनी पेंसिल शेयर करिए। ठीक है, तो शेयरिंग करना चाहिए। ये इसके पास कलर है और इसके पास नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी पेंसिल शेयर कर रहा है। तो
तो शेयरिंग हम कहाँ सीखते हैं? अपनी फैमिली में सीखते हैं। शेयरिंग, बांटना, चीज़ों को बांटना, ठीक है? तो ये क्या कर, ये कहलाता है शेयरिंग। ये अपनी पेंसिल इसे शेयर कर रहा है, बांट रहा है, उसे भी करने के लिए दे रहा है। यहाँ वो जितनी भी पेंसिल या बुक है, उसके बाद क्या होता है कि आइसक्रीम है यहाँ। अब इसके पास आइसक्रीम है, टू आइसक्रीम है, और इसके पास नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? ये इसे अपनी आइसक्रीम शेयर कर रहा है, उसे दे रहा है खाने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। उसी तरह अगर टॉय है तो हमें अकेले तो नहीं खेलना चाहिए, अगर हमारे साथ हमारे फ्रेंड है तो उसके साथ बांट करके, यानी उसके साथ शेयर करके खेलना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये अपनी आइसक्रीम शेयर कर रहा है, और ये अपनी टॉय, ये अपना टॉय इसके साथ शेयर कर रहा है। तो शेयरिंग करना भी हमें फैमिली में सिखाया जाता है। जैसे मम्मी कभी एक चॉकलेट लाती है, और आप तीन भाई बहन हो, तो मम्मी क्या करती है, एक चॉकलेट एक को तो नहीं देती है, मम्मी उसे निकालती है और बराबर टुकड़ों में बांट करके आप तीनों को दे देती है, करती है ना? तो मम्मी क्या सिखा रही है? मम्मी शेयरिंग सिखा रही है, मम्मी बांटना सिखा रही है ना? तो उसी तरह वही चीज़ हम में यही सिखाता है कि अपनी चीज़ें जो हैं वो बांटनी चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, ठीक है? तो ये शेयरिंग है, हमें अपनी फैमिली में सिखाया जाता है। उसके बाद आता है स्कूल में। स्कूल में हम लंच बॉक्स ले जाते हैं, लंच बॉक्स ले जाते हैं ना, तो लंच बॉक्स क्या करते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि आज ये मेरी मम्मी ने बनाया है, ये बनाया है, तो अपने फ्रेंड्स को भी खिलाते हैं। तो वो जो खिलाना होता है वो क्या होता है, शेयरिंग होता है, ठीक है? अपनी अपना लंच बॉक्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। फिर कई बार होता है कि आपका फ्रेंड जो है वो लंच ही लाना भूल गया, तो आप क्या करोगे, आप अपने लंच को थोड़ा सा आप लोगे और उसके लिए भी रखोगे, उसे भी खिलाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शेयर थिंग्स, चीज़ें बांटना। तो चीज़ों को बांट करके खाना या किसी को खिलाना, ये क्या है, ये बहुत अच्छी बात है जो हमें अपनी फैमिली से सीखने को मिलती है, शेयर थिंग्स। उसके बाद आता है बी ऑनेस्ट, यानी ईमानदारी। ईमानदारी यानी सच बोलना। सच बोलना जो है वो हमें हमारी फैमिली में बताया जाता है। अगर आपसे कुछ चीज़ घर का अगर टूट जाता है तो आप झूठ बोलते हो तो भी मम्मी जो है वो जान जाती है। तो मम्मी आपसे क्या कहती है कि सच सच बताओ। तो सच सच बताना यानी ईमानदार बनना, सच बोलना चाहिए, ठीक है? तो कभी भी अगर ऐसे कुछ गलती हो जाती है तो आप सच बता दीजिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हमें हमारी फैमिली में सिखाया जाता है, यानी सच बोलना। सच बोलने से ये होता है कि हमारे अंदर अच्छी बातें आती हैं, हमें डर नहीं लगता है। जो झूठ बोलते हैं उन्हें डर लगता है। तो हमेशा ईमानदार रहिए, सच बोलिए, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये हमें हमारी फैमिली में सिखाया जाता है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। बी
ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट यानी ईमानदारी। ईमानदारी जो है हमें हमारी फैमिली में सिखाया जाता है, ईमानदार बनिए, सच बोलिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें छोटे से सिखाया जाता है, जो बाकी के लाइफ में हमारे बहुत काम आता है ना। तो कभी भी किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये होता है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, जो हम अपनी फैमिली में सीखते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमारे सामने कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो हमें कहीं ले जाना चाहते हैं, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते हैं, तो वो हमसे सच सच बताते हैं ना। उन्हें पता है कि बताने पे आप रोओगे, लेकिन फिर भी वो सच बता देते हैं कि आज यहाँ जाना है इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। आप रोओगे, लेकिन ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि पेरेंट्स हमसे झूठ नहीं बोलते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से वो नहीं गए, है ना। तो पेरेंट्स ही हमें सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे आप रो, फिर भी उन्होंने सच कहा। इसीलिए हमें भी यही सीखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट आता है ईट टुगेदर। ईट टुगेदर इसका मतलब होता है कि हमें एक साथ खाना खाना चाहिए, हमें एक साथ खाना खाना चाहिए। एक साथ खाना खाने से ये होता है कि हम अपनी बातें, कुछ प्रॉब्लम वगैरह जो भी है वो, या हंसना, फैमिली के साथ टाइम बिताना वो हो पाता है। अभी आप देखते हो कि सबका रूटीन अलग होता है। किसी को सुबह निकलना है, किसी को कुछ देर बाद निकलना है, आप स्कूल आ जाते हो, फिर आप सुबह सुबह निकल जाते हो स्कूल के लिए, आपके फादर जो हैं वो थोड़ी देर बाद जाते हैं, आपकी मम्मी सभी को भेजने के बाद खाना खाती हैं। तो सबका टाइम अलग अलग होता है, बट एक टाइम होता है यानी नाइट का यानी रात का, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं। एक साथ खाना खाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हम सभी अपने दिन भर की बातें अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी हमारे साथ हुआ है वो बता सकते हैं, या हंसना बोलना, क्योंकि अभी सबका लाइफ क्या हो गया है, बिजी हो गया है। आप अलग स्कूल निकल जाते हो, आपकी मम्मी घर के कामों में, आपके पेरेंट्स अपने जॉब पे, तो फिर टाइम नहीं होता है किसी के पास। तो कब टाइम मिलता है, जब सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। खाना खाने के टाइम क्या होता है, सब लोग बैठे रहते हैं, और बैठे रहने की वजह से सब एक दूसरे की बात सुनते हैं। तो ये चीज़ें हमें फैमिली में सिखाई जाती है कि सबके साथ खाना खाना चाहिए। सबके साथ खाना खाने से हमारे बीच सबके लिए प्यार बढ़ता है, है ना। अगर फैमिली बिग है तो और मज़ा आता है। ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, फादर मदर चिल्ड्रन सभी लोग रहते हैं, इतने लोग मिल करके एक साथ खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम बीतता है। और ये अगर डेली होता है यानी ईट टुगेदर, एक साथ सभी लोग रोज़ खाते हैं खाना, तो ये फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बिग फैमिली है और ये क्या कर रही है, एक साथ खाना खा रही है। इसमें हम लोग मैनर्स सीखते हैं, किसी के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सभी कुछ सीखा जाता है। ओके, तो ये है हमारा ईट टुगेदर, एक साथ खाना खाना।
ओके तो अभी हम लोगों ने देखा आवर फैमिली वैल्यू, हमारी फैमिली का महत्व। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर कुछ है हो रहा है वो देखेंगे और हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। ओके तो टिक द एक्टिविटीज दैट आर करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, यानी जो सही हो रहा है जिस साइड वो हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, और जहाँ गलत हो रहा है वो हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इसको बोल रहे हैं ये बेचारा उदास हो गया है, तो ये है रॉन्ग। यहाँ इसके बाल नोच रहा है, ये भी गलत है, ये इसका गला पकड़ा हुआ है, ये भी गलत है, ये इसको डांट रहा है, ये भी गलत है, ये इसको टीज कर रहा है, चिढ़ा रहा है, ये इसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, ये भी गलत है, ये इसको घर से भगा रहा है, ये भी गलत है, ये इसको धक्का दे रही है, ये भी गलत है, ये इसके ऊपर हंस रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं रॉन्ग, ये सब गलत आदतें हैं। ठीक है, यहाँ इसके साथ क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ भी ये अपने टॉयज इसके साथ शेयर करके खेल रहा है, ये भी इसके साथ ये अपना फ्रूट्स शेयर कर रही है, ये भी अच्छी बात है। बाकी यहाँ भी ये इसको चिढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है, ये इसको रुला रहा है, ये भी रॉन्ग है, और ये इसका टॉय जो है वो बिगाड़ रहा है, तो ये भी गलत है। तो हमें अपनी फैमिली में अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ठीक है, और फैमिली हमें अच्छी बातें सिखाती है। तो फैमिली का क्या वैल्यू है, फैमिली हमें अच्छा इंसान बनाती है, यही हमारी फैमिली का वैल्यू है। फैमिली हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।